जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। संघर्ष, अरे क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी आंधी कभी तूफान, कोई न कोई कारण की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। अगर आप जानते होते तो असमय जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। अरे आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम कर सकता हूं, फिर आप भी देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे बात को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि अपने खेत पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली, जब उसे लगा कि पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बार ऐसी फसल हुई जैसी कभी ना हुई थी, ऊंची हरी भरी लहराती हुई फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखलाऊंगा भगवान जी को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता को देखकर उसे अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। दरअसल गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा कि हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया, क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? तो भगवान बोले, पुत्र ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना तो तुम उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश को सहने दिया, ना धूप में तपने दिया, एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान धूप और तेज बारिश पड़ती है तभी पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा फूर्ति तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, तो घबराना मत बल्कि सामना करना और विश्वास रखना कि आप और अधिक निखर जाओगे, आप और अधिक मजबूत बन जाओगे। और किसी ने सही कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी
भगवान नहीं होता।